नमस्कार सभी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ हम फिर से जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उन सभी को हम बता दें, जिस प्रकार से अब ओआरओपी 2 का प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि ओआरओपी पार्ट 2 प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें हमारे पूर्व सैनिक जो है दिन रात जो लगे हुए हैं उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जो 2 जुलाई की हड़ताल थी, भूख हड़ताल, वहाँ हर एक जो है प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई। उसके बाद ओआरओपी हो गई, इक्वल एमएसपी हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, ईसीएचएस एटसेट्रा, कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हमारे जो है काफ़ी सारे संगठन लगे हुए हैं। और दोस्तों उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है वो है साबका संघर्ष कमेटी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो लगातार पूर्व सैनिकों के हक में काम कर रही हैं। भले ही वो मांग पत्र सौंपना हो, पूर्व सैनिकों से मिलना हो, सांसदों से मिलना हो, मंत्रियों से मिलना हो, या तो भूख हड़ताल करनी हो, या तो फिर संसद घेराव की प्लानिंग करनी हो, हर एक मुद्दे पर अपने पूर्व सैनिकों की हक की लड़ाई के लिए जो लगातार पूर्व सैनिक जो है लगे हुए हैं उसकी आप झलक भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हर एक जो एक तरीके से हम कह सकते हैं संगठन की मांगे लगभग लगभग वही हैं कि ओआरओपी 2 विसंगतियां सही कीजिए, उसके बाद जो हमारे पूर्व सैनिकों की एमएसपी की मांग है उसे पूरा कीजिए, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन भेदभाव, एमएसपी का भेदभाव, और जो ईसीएचएस की सुविधाएं हैं उन सभी को लेकर लगातार हमारे पूर्व सैनिक आवाज़ उठा रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अलग अलग संगठनों से, अलग अलग स्थानों से सांसदों को मिलकर ज्ञान पत्र सौंपे, जो मांग पत्र हैं वो सौंपे जा रहे हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सभी को सौंपे गए हैं। मतलब कि एक तरीके से ये संगठन पूर्व सैनिकों के हक में दिन रात लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप अगर आप किसी भी संगठन से जुड़े ना जुड़े, लेकिन जो एक मुहिम है, जो इन सबकी कॉमन मुहिम है पूर्व सैनिक का की भलाई के लिए, उनकी मांगों के लिए, उससे आप सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि लगातार जो पूर्व सैनिक अपनी एकता के साथ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आज के समय में एक तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर जाकर हमारे पूर्व सैनिक जो है जेसीओज एनसीओज, उनकी फैमिलीज, फैमिली पेंशनर्स, हमारे सोल्जर्स लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उसका जो है नतीजा जल्दी ही सामने आने वाला है। उसका एक अहम बिंदु जो है वो आने वाले 2024 के इलेक्शंस भी हैं, क्योंकि इलेक्शंस में सरकार पर भी दबाव होता है, ये एक कड़वी सच्चाई है। भले ही जो है इलेक्शंस के लिए ही कुछ झूठे वायदे किए जाते हैं, लेकिन सरकार जो है जनता की, पूर्व सैनिकों की आवाज़ सुनने के लिए उस समय बेबस होती है जब जो है एक तरीके से चुनाव नज़दीक आते हैं। इसलिए जो है अब हमारे संगठन भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर जल्दी से जल्दी हमारे पूर्व सैनिकों की मांगें पूरी हो जाती हैं जो है इलेक्शंस के दबाव में ही सही, लेकिन अगर पूर्व सैनिकों को उनका हक मिल जाता है तो ये बेहद सराहनीय होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप इन सभी पूर्व सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स, जय हिंद जय भारत जरूर से टाइप करते, जो दिन रात जो है इस मेहनत में लगे हुए हैं, और आप जो है इनकी कॉल्स, इनकी जो भी गाइडलाइंस रहती हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, किसी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं, तो गाइडलाइंस जो है ज़रूर से फॉलो करें, अपनी एकता और समर्थता ज़रूर से दिखाएं। तो आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।